सपा बसपा गठबंधन के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। पहले जहां यूपी में बीजेपी को बढ़त दिख रही थी, तो वहीं इस नई जोड़ी बनने के बाद यूपी का सियासी गणित बिल्कुल बदल गया है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में सपा 37 और बसपा 38 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। 3 पर रालोद तो 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार सपा बसपा गठबंधन नई रणनीति पर काम कर रहा है। सीटों के बंटवारे पर इस गठबंधन ने 2009 का फॉर्मूला अपनाया है। दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का जलवा इस कदर था कि कोई भी दल बीजेपी के सामने टिक नहीं सका, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में वोट कट गए थे। लेकिन 2009 के चुनाव में इन दोनों ही दलों को बड़ी संख्या में कामयाबी हाथ लगी थी। तब 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 23.4% वोट के साथ 23 सीटें जीती थी, तो वहीं 27.5% मतों के साथ बसपा के खाते में 20 सीटें गई थी, जबकि अजीत सिंह की आरएलडी के खाते में 5 सीट गई थी। 2009 के चुनाव में बीजेपी को महज 10 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार दोनों ही दलों ने सीटों का बंटवारा कुछ इस कदर किया है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इस बार बीएसपी 12 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां उसका वोट शेयर 2014 में एसपी के मुकाबले कम था। इसके अलावा बसपा 2 ऐसी सीटों पर भी चुनाव मैदान में उतरेगी जहां उसके वोट शेयर एसपी के लगभग बराबर थे। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सपा भी प्रदेश में 14 ऐसी सीटों पर ताल ठोकेगी जहां 2014 के चुनाव में उसका वोट प्रतिशत बसपा के मुकाबले कम था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी की मिर्जापुर सीट है। पूर्वांचल की इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 20.6% वोट मिले थे, तो वहीं एसपी को महज 10.6% वोट ही हासिल हुए थे। बावजूद इसके यह सीट मायावती ने अखिलेश यादव को सौंप दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बीते आम चुनाव में बीएसपी और एसपी एक साथ लड़ते तो करीब 15 सीटें ऐसी थीं जहां उनका वोट प्रतिशत 50% से भी ज़्यादा रहता। बहरहाल ये बात तो पक्की है कि यूपी में 2019 का चुनावी घमासान जोरदार होने वाला है, क्योंकि जिस मिशन 400 को लेकर बीजेपी चल रही है उसका रास्ता देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से ही होकर जाता है।